शुरुआत करते हैं मटर की शामी से, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की एक लाजवाब वेजिटेरियन डिश है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है आपका ग्रीन पीस। इसको बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो है आपका देसी घी, जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जिंजर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस और ग्रीन पीस। बाइंडिंग के लिए आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, एक है आलू, दूसरा भुनी हुई सूजी, रोस्टेड चना फ्लावर, और स्टफिंग के लिए हमारे पास किशमिश है और नट्स हैं। तो इसके लिए पहले हमें ज़रूरत है एक गर्म पैन की। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच को थोड़ा गर्म होने दें पैन में। जब तक ये गर्म नहीं होगा आपका जो जीरा है वो उसमें क्रैकल नहीं होगा, जब तक वो उसमें क्रैकल नहीं होगा वो फ्लेवर जो हमें चाहिए वो मिलेगा नहीं। इसे थोड़ा गर्म होने दीजिए। जैसे ये गर्म होता है सबसे पहले इसमें आप जीरा डालिए, उसके बाद थोड़ा हरा मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ जिंजर और मटर। आप ध्यान रखें कि आपका जो मटर है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा देर तक पैन में नहीं रहना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर ये ज़्यादा देर तक पैन में रहा तो इसका कलर जो है, जो उसकी खास बात है, वो जा सकता है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए इसे पैन पे सौते कीजिए। थोड़ा सा नमक, ताकि जब आप इसका पेस्ट बनाएं तो इसमें नमक की मात्रा बराबर रहे, साथ में थोड़ा सा लेमन जूस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे मटर अभी पक चुके हैं, अब ज़रूरत हमें कि हम इसे मिक्सी में थोड़ा सा घुमाएं और थोड़ा इसे बारीक कर लें, ताकि इससे बाद में आपको इसे बाइंड करते वक्त आसानी हो और आपकी जो टिक्की है वो आसानी से बन जाए। मिक्सी में हल्का सा पेस्ट बनाने के बाद आपको कुछ इस तरह का आपका हरा मटर मिलेगा। बाइंडिंग के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप जो आलू है, उबला हुआ आलू है, आप उसे ग्रेट कर लें। तो मैं इसे अभी ग्रेट कर रहा हूँ। बारीक होना चाहिए ताकि जब इसे आप खाएं तो आप इसे इजीली एंजॉय कर सकें। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ की मात्रा मटर से ज़्यादा ना होना पाए, क्योंकि मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका मटर, और आपका जो पूरा फोकस है वो मटर के ऊपर रहना चाहिए। आलू हो गया है, आलू के बाद मैं इसमें डालूंगा थोड़ी सी सूजी जो कि भुनी हुई है। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, थोड़ा सा रोस्टेड चना फ्लावर, अगेन ये आपको इजीली मार्केट में मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने घर पे लेके आना है, थोड़ा सा हल्का सा इसको धीमी आंच के ऊपर रखना है और इसका बारीक पाउडर बना लेना है। ये मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ अभी। इसके साथ मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा और बारीक कटी हुई ग्रीन चिली, जो कि मेरी काफ़ी फेवरेट है, साथ में थोड़ा सा जिंजर और आपका तवे में जो हमने मिक्सचर बनाया था ग्रीन पीस का, उसे इसमें डालूंगा, थोड़ा सा सॉल्ट। उसके बाद मैं डालने वाला हूं थोड़ा सा गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर आप स्टफिंग करना चाहते हैं तो स्टफिंग के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम यूज कर रहे हैं किशमिश और कैशूनट। यहाँ पे ज़रूरत है आपको कि आप इन दोनों सामग्रियों को थोड़ा नाइफ से बारीक चॉप कर लें। मैं फिलहाल इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा डालना चाहूँगा ताकि ये क्रंची रहे, साथ ही साथ मैं थोड़ा किशमिश भी चॉप कर लेता हूँ। अब ज़रूरत है कि आप इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें और उसमें स्टफ करने के लिए आपके पास सामान रेडी है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसके लिए छोटी छोटी टिक्कियाँ बना रहा हूँ। टिक्की बनाते वक्त ध्यान दें कि आपकी जो टिक्की का साइज है वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ये आपकी टिक्की रेडी है। अब इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग कर सकते हैं। स्टफिंग के लिए मैं ले रहा हूँ
बारीक कटा हुआ काजू और किशमिश। ये आपकी टिक्की तैयार है। अब ऐसी ही करीबन 4 से 6 टिक्कियां बना सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितने लोगों को सर्व करना चाहते हैं। अब जरूरत है कि हम इसे शैलो फ्राई करें। हमारा नॉनस्टिक पैन तैयार है। यहाँ पे दोबारा जरूरत है यहाँ पर हमें थोड़ी सी घी की। मैं याद दिलाऊं कि इसे हमें शैलो फ्राई करना है, तो घी की मात्रा थोड़ी सी हल्की ज्यादा होगी। घी को गर्म होने दें। टिक्कियां बनाते वक्त आप इन टिक्कियों का साइज अपनी जरूरत के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमारा घी गर्म हो चुका है। धीमी धीमी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है। इसको सेकते वक्त ध्यान रखें कि आप इसे बराबर और समय पे पलटाते रहें, ताकि आप एक तरफ से इसे ज़्यादा क्रिस्पी ना होने दें। आप देख सकते हैं अभी क्रिस्प हो चुके हैं ये एक तरफ से। मुझे ज़रूरत है अभी दूसरी तरफ से पकाने की। और थोड़ा सा समय और आपके मटर की शामी तैयार है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारी मटर की शामी तैयार है, लाजवाब और लजीज। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। मिंट चटनी रखी हुई है, साथ में आप देख सकते हैं कि बारीक कटा हुआ लच्छा है, जो कि आपका प्याज है, थोड़े बेल पेपर्स हैं और थोड़ा सा लेट्यूस है। तो आइए इसे प्रेजेंट करते हैं। तो लीजिए, तैयार हैं हम मटर की शामी के साथ, जो कि एक पेशावरी डेलिकेसी है। हरे मटर की शामी बनाने के लिए हमें चाहिए घी 50 ग्राम, क्यूमिन सीड्स 10 ग्राम, ग्रीन पीस 200 ग्राम, बॉइल्ड पोटेटोस 100 ग्राम, बारीक कटा हुआ धनिया 20 ग्राम, गार्लिक चॉप्ड 15 ग्राम, ग्रीन चिली चॉप्ड 10 ग्राम, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर 10 ग्राम, गरम मसाला 10 ग्राम, येलो चिली पाउडर 10 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार। इसकी जो विधि है, उसमें सबसे पहले आप पैन लीजिए, उसमें घी डालिए, घी को गर्म होने दें, उसके बाद उसमें क्यूमिन सीड्स, उन्हें थोड़ा पकने दें, उसके बाद बारीक कटा हुआ गार्लिक और ग्रीन पीस डाल के उसे अच्छे से भून लें। उसके बाद एक मिक्सिंग बोल में आप आलू को ग्रेट कर लें और उसमें जो आपने ये मिक्सचर बनाया है उसके साथ उसे उसमें मिला लें और साथ में थोड़ा रोस्टेड चना पाउडर डाल लें। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लें, ताकि आप इसकी अच्छे से पैटीज बना सकें। आप इसको उसके बाद पैन पे शैलो फ्राई कर सकते हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं मिंट चटनी के साथ और तंदूरी सैलड के साथ।